आटे और तिल के लड्डू, तो ये भी विंटर्स में बहुत पसंद किए जाते हैं और प्लस ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। गाइस लेट्स स्टार्ट। तो मेजरमेंट हम कैसे कैसे लेंगे वो मैं आपको वन बाय वन बताती रहूंगी। यहाँ पर मैंने लिया है वीट फ्लावर मीन्स गेहूं का आटा, तो मैं इस बोल से मेजरमेंट करूंगी। 1 कप, 2 कप, 1/2 कप। यहाँ पर हमने 2.5 बोल ऑफ वीट फ्लावर ले लिया एंड को मैं गैस पर रोस्ट होने के लिए रखूंगी। उसके लिए यहाँ पर मैंने एक एल्यूमिनियम की कढ़ाई ली है, स्विच ऑन द गैस। एंड अभी मैंने 1 फुल बोल ऑफ घी लिया है, तो इसका मैं 1/2 जो है वो आटे को रोस्ट करने के लिए यूज कर लूंगी। हल्का सा इसको मेल्ट होने देंगे। घी अभी गुनगुना हो गया, अभी हम इसमें ऐड कर देते हैं हमारा आटा। पहले एक बार इसको चला लेते हैं अच्छी तरह। ये रोस्ट हो रहा है, मीनवाइल अभी हम अपने तिल को रोस्ट कर लेते हैं। तो तिल को मैं यहाँ गैस पर रोस्ट नहीं करूंगी, यहाँ मैं करूंगी माइक्रोवेव में। यहाँ पर मैं यूज करूंगी 1 फुल बोल ऑफ वाइट सेसमी सीड्स, इनको माइक्रोवेव से बोल में ट्रांसफर करेंगे। इसमें हमें घी डालने की जरूरत नहीं है। स्विच ऑन द माइक्रोवेव, पुट योर बोल इनटू द माइक्रोवेव एंड यूज माइक्रो मोड। Press it twice and at 720 watt power, I'll roast it for roughly 3 minutes. After that, I'll stir the और उसके बाद फिर से अगर इनमें कमी होगी तो फिर से इनको रोस्ट करेंगे। तो हम बीच में चेक कर करके इनको रोस्ट करेंगे। स्टार्ट। यहाँ हम आटे को लाइट ब्राउन होने तक, और यू कैन से इसमें एक भीनी भीनी सी सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगेगी, तब तक हम इसे रोस्ट करेंगे। गैस को हम मीडियम रख लीजिए, हाई मत रखिए क्योंकि फिर उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मिक्सर को। तो गाइस अभी हम अपने तिल को भी चेक कर लेते हैं। प्रेस द स्टॉप बटन वंस, अभी इनको स्टर कर लेते हैं। जैसे हम कढ़ाई में रोस्ट करते हैं ना बीच बीच में चला के, सेम प्रोसेस होती है। अच्छे से नीचे से चलाते हुए इनमें एक लाइट ब्राउन कलर आने तक रोस्ट करने हैं। अगेन मैं इनको 3 मिनट के लिए 720 वॉट पावर पर रख देती हूँ। तो ऐसा ही आपको करना है अगर आप माइक्रोवेव में करना चाहते हैं, तो एकदम से टाइमिंग नहीं बढ़ाइए, थोड़ा थोड़ा करके टाइमिंग बढ़ाइए। और हाँ एक बात का जरूर ध्यान रखना है, क्वांटिटी कम होती है या ज़्यादा होती है तो उसका टाइमिंग पर ज़रूर असर पड़ता है। हो सकता है अगर आप तिल कम ले रहे हो तो टाइमिंग कम हो, तो फिर हो सकता है आपके तिल जल भी जाए। प्लीज़ कीप योर आई ऑन दैम। कम टाइमिंग के लिए टाइमर लगाइए, फिर निकालिए, स्टर करिए, फिर रख दीजिए। इस तरीके से आपको माइक्रोवेव को यूज़ करना है। माइक्रो मोड का यूज़ जनरली हम रोस्टिंग पर्पज़ के लिए करते हैं, खाने को गर्म करने के लिए भी इसी मोड का यूज़ करते हैं। अब ये 1/2 डन हुआ है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं इसमें 1/2 कप घी और ऐड कर देती हूँ।
एकदम से घी डालने से क्या होता है हमको अंदाजा नहीं होता है, तो आप इसी तरीके से घी को ऐड करिए। तो गाइस देखा आपने इनका धीरे धीरे कलर चेंज हो रहा है। अगेन आई पुट इट इनसाइड द माइक्रोवेव, माइक्रो बटन 720 वॉट फॉर 3 मिनट्स, स्टार्ट बटन। आप ये काम चाहे तो तिल को रोस्ट आप गैस पर भी कर सकते हैं। बस 3 मिनट के लिए मैंने और रखूंगी, ये परफेक्टली रोस्ट हो जाएंगे। बीच बीच में इनको चलाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये नीचे से हो जाएंगे और हो सकता है जल भी जाए और ऊपर से कच्चे रह जाएंगे। गाइस देखो फिर से चेक करता है। तो गाइस ये तैयार हो गए हमारे तिल। इधर मैं अपने आटे को भी देख लेती हूँ। तो गाइस तिल को अभी हम ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल लेते हैं और आटे को लगातार भूनते रहना जरूरी है। अब हम कर लेते हैं अपनी फ्लेम ऑफ, को गैस से नीचे उतार लेते हैं। इसी बड़े से बोल में इस रोस्टेड वीट को ट्रांसफर कर लेती हूँ। इतना आटा रोस्ट करने में मुझको लगभग 20-25 मिनट्स लग गए। ये जो हमारे तिल हैं इनको हम मिक्सर में हल्का सा कोर्स इनका एक पाउडर बना लेंगे, ज़्यादा इनका फाइन मिक्सचर नहीं बनाएंगे हम, इनको ग्राइंड करेंगे बट नॉट मोर देन 1 or 2 seconds। लेट्स चेक देम, यस दे आर डन। इसको मैं इसी बड़े बोल में ट्रांसफर कर देती हूँ। एक मिक्स दे लेते हैं और इस मिक्सचर को थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं ताकि हम इसके लड्डू बना सकें। उससे पहले मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 1/2 tablespoon इलायची पाउडर, इसमें अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए। नीचे से मिक्स करते हुए, काफ़ी गर्म है अभी, इसको हाथ से हैंडल करना काफ़ी मुश्किल है। देन हम इसमें मीठा मिलाएंगे। गाइस अभी ये मिक्सचर थोड़ा सा गुनगुना हो चुका है तो आप इसको हाथ से हैंडल करिए, अभी थोरली मिक्स करिए ताकि इसमें किसी भी तरीके की कोई गांठ नहीं रहे। इस तरीके से गाइस अभी हम इसमें मीठा ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बूरा यूज़ किया है, आप चाहें तो अगर आपके पास अवेलेबल नहीं हो तो आप पाउडर शुगर यूज़ कर सकते हैं, बट द बेस्ट ऑप्शन इज आप बूरा यूज़ करिए। तो मैं यूज़ करूँगी ये जितना हमारा मिक्सचर है आटे का और तिल का, इसका हाफ, उससे एग्जैक्टली ये मीठा रहेगा, ना तो कम और ना ही ज़्यादा। अगर आप ज़्यादा मीठा चाहते हैं तो थोड़ा सा मीठा और डाल दीजिए, 2-3 स्पून।
इसके टू इक्वल पार्ट्स अप्रॉक्स जस्ट लाइक दिस, और एक पार्ट का हम इसमें मीठा इधर लगा लेंगे, वन बोल। एंड हाफ बोल, इसको भी ऐड कर देते हैं। ये हो गया हमारा मीठा, अब इसको एक नाइस मिक्स देते हैं। तो गाइस ये देखिए इसका एक परफेक्ट मिक्सचर तैयार हो गया, सब चीज़ अच्छे से मिल गई। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो इसको टेस्ट करने के लिए, अभी इसके लड्डू बन रहे हैं या नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे, हाथ में इसको बंद करके देखेंगे, दबा के देखेंगे, अगर लड्डू की शेप आ रही होगी तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसमें मेल्टेड घी और ऐड कर दूंगी। लेट्स चेक इट, अगर हम इस पर ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो ये आ तो रहे हैं लेकिन कंप्लीट इनकी शेप नहीं हो पा रही है। मैं इसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर देती हूँ। अभी मैं इसका, ये जो हमारा घी बचा हुआ है इसका हाफ और ऐड कर देंगे। मेल्टेड घी यूज़ करिए अभी। एंड मिक्स करिए। नाउ इट इज़ अ परफेक्ट मिक्सचर फॉर मेकिंग लड्डूज, और आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा बना सकते हैं। सो वी हैव अ परफेक्ट लड्डू एंड टेक वन रीजन मीन्स किशमिश, उसको हल्का सा प्रेस करके दे जाइए जस्ट लाइक दिस। मैं एक और बना के दिखा देती हूँ। और अभी आप लड्डू जल्दी जल्दी बनाइए, मिक्सचर ज़्यादा जल्दी ठंडा ना हो पाए। तो गाइस देखिए ये तैयार हो गए हमारे लड्डू और बहुत ही अच्छे बने हैं। मैंने टेस्ट तो नहीं किए हैं अभी, बट डेफिनेटली बहुत अच्छे बने होंगे। तो आप भी इनको ज़रूर ट्राई करिए और अपने कमेंट्स एंड सजेशंस, और आपको अगर अच्छे लगते हैं तो आपको क्या अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है ज़रूर लिखिए। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब की बात करिए, बार बार करेंगे वो सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब होता रहेगा। और नेक्स्ट टाइम के लिए टाटा, बाय बाय।